हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनस्टॉक्स। फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम लोग बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, साथ में डिस्कस करते हैं कुछ डिफरेंट एसेट क्लास। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे इनकरेज कर सकते हैं मेरे काम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है इरकॉन इंटरनेशनल। जी हाँ, इन्होंने बोनस अनाउंस किया था। इनके बोनस की जो अनाउंसमेंट थी, वो शेयर जो हो गए उसके इफेक्टिवली प्राइस जो हो गई आधी हो चुकी है, 1/2 हो चुकी है, ठीक है। बट नंबर ऑफ शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट में है वो डबल नहीं हुए हैं, जिसके वजह से हमें अपने डीमेट की होल्डिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव शो देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसका रीजन जानेंगे, साथ में स्टॉक कुछ ब्रीफिंग देखेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे और बाय होल्ड सेल की रिकमेंडेशन पे थोड़ी सी नजर डालेंगे। आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन को मैं आपको लेके आ जाऊंगा एक नोटिस पे, जो इन्होंने BSE लिमिटेड और NSE लिमिटेड को सबमिट किया था। आप देख सकते हो, इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट एज पर रेगुलेशन 42 सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जो लोडर है LODR ऑब्लिगेशंस, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये नोटिस जो है बताया है BSE को, रिपोर्ट किया है। इन्होंने बताया है कि कंपनी हैज फिक्स्ड 21st यानी 21st ऑफ मई रिकॉर्ड डेट फॉर पर्पस ऑफ असर्टेनिंग एलिजिबिलिटी शेयर होल्डर, जिनको कि आपको बोनस के लिए जो एलिजिबल है उनके लिए 21st डेट रखा हुआ है रिकॉर्ड डेट, ठीक है। यानी 21st को रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपके डीमेट में होना चाहिए अकाउंट, और 21st से 2 डेज लगेंगे, T+2 डेज लगते हैं, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज आपके डीमेट अकाउंट में आने में, कोई भी शेयर आपको पता होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को कि अभी हमारा प्राइस आधा क्यों होगा, प्राइस वाई प्राइस बिकम हाफ। तो प्राइस हाफ होने का कारण ये है कि ये हो गई आपकी 21st में हो गया रिकॉर्ड डेट, 20 मई जो हो गया, 20 मई जो हो गया वो हो गया आपका एक्स बोनस डेट। यानी कोई भी इंसान ये ना सोच ले कि इस दिन को हम लोग खरीदें और कल हमारा रिकॉर्ड डेट हो तो हमें जो है वो 2 शेयर मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से सेबी ने क्या करा है कि आपको T+2 वर्किंग डेज यहां पे मिल रहा है अगर, तो ये 2 दिन पहले ही प्राइस को हाफ कर देंगे या 1 डे पहले हाफ कर देंगे, ताकि कोई यहाँ पे आके गलती से ना परचेज कर ले 2 शेयर मिलने के चक्कर में, ठीक है। तो ये सेबी ने बहुत अच्छा रूल यहाँ पे है सेबी का, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। अब हमें क्या करना है, तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपके शेयर्स तो डबल हुए नहीं, जो प्राइस है वो हाफ हो गई। आपके प्राइस के हाफ होने के बाद शेयर भी आपके डबल हो जाएंगे फ्राइडे से टू डेज आप ऐड कर लीजिए, यानी ट्यूजडे तक आपके अकाउंट में जो है आ जाएंगे जितने नंबर दुगने शेयर्स होंगे। अगर किसी के पास 1 शेयर किसी ने परचेज किया था एक्स बोनस डेट से पहले, तो उसके जो होंगे T+2 मतलब इस दिन से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो उसके 2 शेयर हो जाएंगे। अगर किसी ने 100 परचेज किया था उसके 200 हो जाएंगे, डेफिनेट सी बात हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे टेक्निकल लेवल्स की, साथ में हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर शॉर्ट एनालिसिस भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी 5.28% के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी प्राइस गिरने के बाद इतना इन्फ्लेशन क्यों हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। पहला रीजन ये है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो चीप हो चुकी है, अवेलेबल फॉर एवरीवन हो चुका है, ठीक है। तो ये इसमें उस चीज की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे आके कि स्वॉट एनालिसिस हमें क्या बता रहा है, तो स्ट्रेंथ अगर बात की जाए तो इनका नेट कैश फ्लो बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी वीकनेस की बात की जाए तो प्रमोटर्स 2% की अपनी होल्डिंग कम कर चुके हैं, तो इससे तो कोई उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बट इन स्वॉट एनालिसिस में वो दिया हुआ है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पॉजिटिव ब्रेकआउट एट रेजिस्टेंस R3 पे आपको मिल रहा है। थ्रेट की बात की जाए तो कंपनी हैज नेगेटिव ग्रोथ एंड प्रोमोटर डिक्रीजिंग, तो इनका प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, तो वो थोड़ा सा इनके लिए टेंशन का माहौल बना रहा है बस, बट ऐसा सच कुछ है नहीं। अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो आपको यहाँ पे डे बेसिस पे वेरी बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ये डे बेसिस की ही होती है। अगर हम बात करें मैकेनिकल जो टेक्निकल वीकली वाइज बात करें, तो आपको वीकली बेसिस पे यहाँ को देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज हमारा बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हमारा बुलिश यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम बात करें मंथली बेसिस पे यहाँ पे, तो मंथली बेसिस पे अगर यहाँ पे मैं लगा दूं, आपको मूविंग एवरेज बुलिश एंड टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है। अगर बात करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की यहाँ पे, तो अभी देख रहे हो आप ये स्टॉक प्राइस ये 51 के रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। अगर पहले रेसिस्टेंस की बात करें R1, तो इसका पहला रेसिस्टेंस R1 बन के आ रहा है 55। अगर सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें तो वो बन के आ रहा है 57.5। और थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें R3 की अगर बात करें, तो हमारा बन के आ रहा है 59।
अब हमें क्या करना होता है रेजिस्टेंस पे, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करनी होती है। अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, तो इनका पहला सपोर्ट S1 जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 48 रुपीज का, S2 की बात करें तो 46 एंड S3 की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 44.5। हमें सपोर्ट पे परचेज करना होता है, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम लोग ब्रोकरेज हाउसेस के थोड़े से रिकमेंडेशंस अगर देख लें तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे। रिसर्चेज यहाँ पे कुछ खास नहीं अवेलेबल है तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए नो डेटा फॉर द ब्रोकर रिसर्च, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है अवेलेबल। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर। फाइनेंशियल रिलेटेड जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं।